हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्ड और इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव कार्ड है एमेक्स सेंचुरियन कार्ड, जिसे ब्लैक कार्ड भी बोला जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज ये कार्ड यूज करते हैं। इंडिया में कुछ 700 से 800 लोगों के पास ये कार्ड है। हम रिसेंटली एक सेंचुरियन कार्ड होल्डर से मिले और हमने उनसे कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स प्लस उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कार्ड के साथ वो डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका सेंचुरियन कार्ड के साथ वो डिस्कस करेंगे। सेंचुरियन कार्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये वीडियो पर आनम ने स्पॉन्सर की है। पर आनम इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि सालों से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अप टू 12% ऑफर करते हैं। एंड देयर इन्वेस्टर बेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HNIs एंड सेमी HNI लोग जैसे कि AMEX के कार्ड यूजर्स। पर आनम के बारे में थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सेंचुरियन कार्ड इन्हें मिला कैसे। तो इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड लिया था 2018 के स्टार्टिंग में। ये उस कार्ड पर 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा करते थे एक महीने में। हम पहले ही ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये कार्ड अल्ट्रा HNIs के लिए है और इंडिया में है कुछ ऐसे लोग जिनका खर्चा इतना ज़्यादा होता है। उनके नेचर ऑफ स्पेंस पर हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली इसमें बिजनेस स्पेंस भी होंगे। एनीवे, इतना खर्चा कंसिस्टेंटली करने के बाद उन्हें 2020 में AMEX से सेंचुरियन कार्ड लेने का इनविटेशन आया। लास्ट 3 साल की ITR और बिजनेस के फाइनेंशियल्स सबमिट करने के बाद इनको ये कार्ड मिल गया। अब अगर फ़ी की बात करें तो सेंचुरियन कार्ड लेने के लिए एक वन टाइम इनिशिएशन फ़ी देनी पड़ती है और हर साल एनुअल फ़ी चार्ज होती है और ये फ़ी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तब इनिशिएशन फ़ी थी 7 लाख रुपीज़ प्लस GST यानी कि 8,26,000 और एनुअल फ़ी थी 2,75,000 प्लस GST यानी कि 3,24,500 रुपीज़। तो टोटल पहले साल अराउंड 11.5 लाख रुपीस देने पड़ते हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 3,24,500 रुपीस। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। पहले अगर क्लब मेंबरशिप्स की बात कर लें तो आपको इस कार्ड के साथ कोरम क्लब की मेंबरशिप मिल जाती है, जिसकी वैसे तो अराउंड 3.5 लाख रुपए फी रहती है। इसके साथ साथ आपको इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब ताज चेंबर्स को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलता है और साथ ही साथ आपको 20% डिस्काउंट भी मिलता है मेंबरशिप फी पर। कुछ ऐसे क्लब्स जो कि इंडिया में नहीं है उनका भी इनविटेशन मिल सकता है सेंचुरियन कार्ड से। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी होटल्स और एयरलाइंस की एलीट मेंबरशिप मिलती हैं और वो हैं ITC कलिनेयर, मैरियट बॉनवॉय गोल्ड, हिल्टन ऑनर्स डायमंड, एमिरेट्स गोल्ड, ताज एपिक्योर, रैडिसन रिवॉर्ड्स प्रीमियम, हर्ट्स गोल्ड प्लस। एमिरेट्स गोल्ड को छोड़कर आपको ये सभी मेंबरशिप टियर्स प्लैटिनम चार्ज कार्ड के साथ भी मिलती हैं। बाकी आपको साल में एक बार ताज होटल्स के स्वीट कैटेगरी ऑफ रूम्स में 1 नाइट स्टे का बेनिफिट मिलता है, प्लस बर्थडे मंथ में 1 नाइट स्टे ओबेरॉय होटल्स में भी मिलता है। आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है, जिसको आप कंसियर्ज होटल्स और फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आपको जनरली अच्छे रेट्स मिल जाते हैं बिजनेस क्लास टिकट्स पर, खासकर एतिहाद, एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस पर। अमेरिकन एक्सप्रेस टाइम टू टाइम इनवाइट ओनली प्राइवेट इवेंट्स करता है सेंचुरियन कार्ड होल्डर्स के लिए। ये जनरली काफी प्रीमियम वेन्यूज पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं कि कोई मिशेलिन स्टार शेफ इंडिया में आया है तो सेंचुरियन कार्ड होल्डर्स के लिए एक स्पेशल डिनर इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। बाकी आपको AMEX की एक्सपीरियंसेस ऐप में लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि गुची, टॉमी, वर्साचे पर अराउंड 50% ऑफ जैसे ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आप AMEX की फाइन होटल्स और रिजॉर्ट्स कलेक्शन से स्टे बुकिंग करते हैं तो आपको रूम अपग्रेड्स मिलते हैं प्लस 100 से $200 के होटल्स क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि ये कार्ड अल्ट्रा HNIs के लिए है तो चार्टर्ड फ्लाइट बुकिंग कंपनीज जैसे कि ब्लेड के साथ टाई अप है, जिससे सेंचुरियन कार्ड होल्डर्स को चार्टर्ड हेलीकॉप्टर और प्लेन्स पर सब्सटैंशियल डिस्काउंट मिल जाता है। और भी आपको बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड और इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं इस कार्ड के साथ, जो कि चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको पर आनम के बारे में बता देते हैं। पर आनम लार्जली जाना जाता है अपनी पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि P2P एसेट क्लास एक RBI रेगुलेटेड एसेट क्लास है। पर आनम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को वाया पर आनम की सिस्टर एंटिटी लेंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोअर्स में इन्वेस्ट करता है जिनका सिबिल स्कोर कम से कम 720 से अबव होता है। पर एनम का एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न है 12.15% और रिपीट इन्वेस्टर रेट है 92%, यानी कि 92% लोगों ने इन्वेस्टमेंट पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा इन्वेस्ट किया। इनका सेटलमेंट रेशियो इन देयर इंटायर हिस्ट्री इज 100% और करंटली 2850 करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं एंड ओवरऑल P2P इंडस्ट्री का 35% मार्केट शेयर है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करें तो आप मिनिमम 50,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स प्लान को चूज कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट टर्म खत्म होने पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपका रिटर्न जनरली इन्वेस्टमेंट टेन्योर के साथ बढ़ता है। आप रिटर्न्स मंथली इंटरेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जो कि आपको स्टेबल रिटर्न्स दे तो डेफिनेटली पर एनम को चेकआउट करें। आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से पर एनम प्लेटफॉर्म पे अब भी साइन अप कर सकते हैं। अब अगर हम इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कार्ड पर हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी अगर आप एमएक्स के रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू शॉप करते हैं या इंस्टेंट वाउचर्स लेते हैं तो आपको 10x यानी कि हर 200 रुपए के खर्चे पर 60 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने लास्ट ईयर रिवॉर्ड एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली प्लैटिनम और सेंचुरियन कार्ड होल्डर्स के लिए, जहां पर बहुत से लग्जरी ब्रांड्स पर 10x या 20x पॉइंट्स मिलते हैं। मोस्टली ब्रांड्स पर तो 10x पॉइंट्स ही मिलते हैं। अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं और आप एमा पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट, ब्रांड वाउचर्स और ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। स्टेटमेंट क्रेडिट में 25 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है। बाकी ताज वाउचर्स पर 50 पैसा की वैल्यू और ट्रैवल पार्टनर्स की लिस्ट विद कन्वर्जन वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये थे इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। तो ये कार्ड लोग रिवॉर्ड्स के लिए नहीं लेते बल्कि एक्सक्लूसिविटी के लिए लेते हैं। लोगों को लगता है कि वो एक एक्सक्लूसिव क्लब या कम्युनिटी का हिस्सा है, इसलिए अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत लिमिटेड लोगों को ही ये कार्ड देते हैं और साथ ही साथ इतनी ज्यादा फीस है। हमने जिनसे बात की थी उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस सेंचुरियन कार्ड से काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस कार्ड से महंगी आइटम भी ले सकते हैं। अगर आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए की कार भी खरीदनी है तो आप वो भी आपको मिल जाएगी। इंडिया में सेंचुरियन की इतनी अवेयरनेस नहीं है तो बहुत जगह पर आपको हेल्प नहीं होती। बस इन्हें 3 से 4 बार ताज और ओबेरॉय होटल्स में स्वीट अपग्रेड्स मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। कंसीयर्ज की भी बात करें तो वो इंडिया में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्सर्ट टिकट्स या रेस्टोरेंट रिजर्वेशन चाहिए और आपको नॉर्मली मिल रहा है तो वो आपको कंसीयर्ज से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो कंसीयर्ज भी कुछ नहीं कर पाएगा। रिसेंटली इनको लास्ट मिनट बुकिंग चाहिए थी मास्क रेस्टोरेंट, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है और मुंबई में है, बट कंसीयर्ज वहां पर बुकिंग नहीं दिला पाया। जबकि इंडिया से बाहर खासकर सिंगापुर, यूएस, यूरोप एटसेट्रा में काफ़ी रिकग्निशन है इस कार्ड की और वहां पर कंसीयर्ज भी काफ़ी बेटर है। कुछ टाइम पहले काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। इनके बच्चों को टेलर स्विफ्ट का यूएस में कॉन्सर्ट देखना था जिसकी टिकट्स कहीं से नहीं मिल रही थी, बट वहां की कंसीयर्ज ने टिकट्स के साथ साथ बैक स्टेज पासेस का भी अरेंजमेंट करवाया। एक और इंस्टेंस ये है कि एक बार ये लंदन में हॉलीडे कर रहे थे और वहाँ एक अर्जेंट मीटिंग आ गई और एमएक्सी कंसीयर्ज ने 2 घंटे में स्वीट अरेंज करवा दिया। ये और इनफैक्ट जो भी लोग सेंचुरियन कार्ड लेते हैं वो ऐसे प्रिविलेजेस के लिए ये कार्ड लेते हैं। इनके पास लाखों मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं लेकिन आज तक कभी रिडीम नहीं किए हैं। एक प्रॉब्लम है जो इंडियन कार्ड के साथ खास करके होटल्स और एयरलाइन मेंबरशिप टियर्स काफ़ी बेटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से बाहर मैरियट गोल्ड की मेंबरशिप की कुछ खास वैल्यू नहीं है और साथ में मैरियट गोल्ड तो प्लैटिनम चार्ज कार्ड के साथ भी मिलता है, तो एटलीस्ट मैरियट बॉन्वॉय का प्लैटिनम टियर तो मिलना चाहिए। बट ओवरऑल वो इस कार्ड को 10/10 ही बोलते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड प्रिविलेजेस खासकर जो इन्हें इंडिया से बाहर मिलती है। अंत में हमारी ओपिनियन ये है कि ये कार्ड अल्ट्रा HNIs के लिए ही है जो एक एक्सक्लूसिव क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं, जिनके महीने के मिनिमम 30 से 35 लाख रुपए के खर्चे हों और जो लग्जरी ट्रैवल और लग्जरी लाइफ लीड करते हैं एंड हु वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव क्लब। वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको याद दिलाएंगे कि अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो कि आपको स्टेबल या पैसिव या मंथली रिटर्न्स दे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पर एनम प्लेटफॉर्म पे अभी साइन अप करें। चलिए यहीं खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।